टू ऑल ऑफ यू एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम सही से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर दैट इज स्टैटिस्टिक्स, ना आज स्टैट्स पढ़ने जा रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स आपके एनसीईआरटी का क्लास 9 की अगर हम बात करें, है ना, क्लास 9 की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 14, है ना, और क्लास 10 की बात करें तब भी वो चैप्टर नंबर 14। मतलब आज हम लोग दो चैप्टर अपना फिनिश करने जा रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में आपको मैं 9th और 10th पढ़ा है तो अलग अलग हिसाब से पढ़ा है, ऐसा हम लोग नहीं पढ़ने वाले, थोड़ा कंबाइन करेंगे चीजों को, ना कंबाइन करेंगे और उस हिसाब से जो आउटलाइन होगा ना किस अंदाज में मैं आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेटा और उसके टाइप्स, डेटा एंड इट्स टाइप्स, डेटा क्या होता है और उसके क्या क्या बाल बच्चे हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बेसिकली जो ये पॉपुलेशन है ना, जो मैं ये आउटलाइन बना रहा हूँ वो इनडायरेक्टली डिफिनेशन ना प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, वो डिफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ही चल रहा है। क्योंकि अगर स्टैटिस्टिक्स के डिफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द कलेक्शन देन प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। डेटा का कलेक्शन, तो डेटा के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसका प्रेजेंटेशन, डेटा को हम कैसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अगर याद होता आपको थोड़ा बहुत, इसलिए ना 9th में ज्यादातर प्रेजेंटेशन डेटा का कलेक्शन और इंटरप्रिटेशन वाली बात की गई है। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को प्रेजेंट करने के लिए एक तो आपके पास टेबुलर फॉर्म है ना, टेबल के फॉर्म में, या फिर आपने डायरेक्ट लाया डेटा लाकर उठा के पटक दिया रॉ डेटा, है ना, या फिर उसको हल्का सा अरेंज कर दिया तो एरे बना दिया, ठीक है, टेबुलर फॉर्म होता है, या उसको टेबल बना दिया जिसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी मेंशन किया है, ये डेटा इतने फ्रीक्वेंसी का, ये डेटा इतने फ्रीक्वेंसी का है, उसको टेबुलर फॉर्म में आपने रख दिया, ठीक है। अब ये टेबुलर फॉर्म भी दो तरह के हो सकते हैं ना, तो एक तो होता है ग्रुप्ड डेटा और एक होता है अनग्रुप्ड डेटा, है ना। तो इसके बारे में जाने कि ग्रुप्ड या अनग्रुप्ड में कौन कौन से टर्म्स आएंगे ना, इसीलिए इस टर्म्स को डिफाइन करने के लिए कुछ हमारे पास बेसिक डिफिनेशंस है। तो सम बेसिक डिफिनेशंस है ना, स्टैटिस्टिक्स को सीखना है तो कुछ बेसिक डिफिनेशंस पता होना चाहिए। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास साइज क्या होता है, लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, टैली मार्क क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है, क्योंकि एक बार सवाल ऑलरेडी डिफिनेशंस पे आ चुका है ना लास्ट 5 साल हो गए। अच्छा, टेबुलर के बाद की अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि हम डेटा को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे एज पिक्चर सेज 1000 वर्ड्स, तो पिक्चर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ज्यादा बातें उस पर बोल सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे, है ना, एक तो आपने बार ग्राफ याद होगा, दूसरा अच्छा 9th 8th क्लास में आप शायद पाई चार्ट पढ़े होंगे, तो इस पाई चार्ट में 2018 में एक बार सवाल आ चुका है, 2018 में सवाल आ चुका है, ठीक है। उसके बाद ये बार ग्राफ देखेंगे, देन वी हैव हिस्टोग्राम, है ना, हिस्टोग्राम देखेंगे, देन वी हैव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो सबके बारे में जानेंगे, रिवीजन करेंगे, है ना, सारा चीजें पढ़वाना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा सवाल इस टॉपिक से आता है ना, दैट इज दिस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं सर, 3 बेसिकली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपके हिसाब से, दैट इज एक मीन, फिर मीडियन, 3M भी बोल सकते हैं आप, मॉड, इनको मेजर कैसे करते हैं, इन केस इफ द डेटा इज अनग्रुप्ड, अगर डेटा की हमने ग्रुपिंग नहीं की है तो ये तीनों डेटा हम कैसे निकालते हैं, तीनों वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, या अगर उसकी ग्रुपिंग कर दी जाए तो उसका वैल्यू मीन मीडियन मॉड कैसे निकालते हैं। और अगर ध्यान दिया जाए तो क्लास 9th में आपको इन सब टॉपिक के बारे में पढ़ना है, 9th में डेटा क्या होता है, प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, बेसिक डेफिनेशंस वगैरह सब 9th में मिला दिया, कुछ डिफरेंस थोड़ा 10th में आएगा, और उसको अगर डेटा अनग्रुप्ड है तो उसका मीन, उसका मीडियन और उसका मॉड कैसे निकालते हैं, ये हमारा 9th का पार्ट है। और लेकिन जैसे ही हम लोग 10th क्लास में जाते हैं, बस यही जो सेंट्रल टेंडेंसी का जो मेजर है ग्रुप्ड डेटा के लिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से अगर डेटा है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, ठीक है, 2, 3, 5, इस तरह से, तो उसका मीन मीडियन मॉड कैसे निकालते हैं, ये 10th का पार्ट है। तो इस तरह से पूरा स्टैट्स के अंदर हम लोग बेसिकली बातों पे फोकस करना है, दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा, देन वी हैव प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एंड देन वी हैव इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, डेटा को एनालाइज करेंगे, तो एनालिसिस यहां से बहुत आराम से कर सकते हैं अगर हम ये सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में जान जाए, ठीक है। और आप लोगों ना रटवाया जाता है बेसिकली, बेटा देखो मीन निकालना है, या ऑलमोस्ट लोग 99% बच्चे अगर मैं दो सवाल भाई फाइंड द मीन तो अपने आराम से निकाल दें, लेकिन कब किस सिचुएशन पे मीन इंपॉर्टेंट होता है, कब किस सिचुएशन में मीडियन इंपॉर्टेंट होता है और कब किस सिचुएशन में मॉड इंपॉर्टेंट होता है, तो ऐसा सवाल मैं आपको पैकेज में शीट में दे रखा हूं, जहां पे सवाल में कहीं नहीं लिखा है कि फाइंड द मीडियन, लेकिन इनडायरेक्टली जो पूछा जा रहा है वो आपको मीडियन ही कैलकुलेट करके देगा।
चीजों को रटना नहीं है दोस्त कि आप रट लो भाई मीन, हाँ भाई मीन निकाले, मीडिया निकाले, मोड निकाले, तो पता सर मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट टेक्निक ऑफ द क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है मोड आ रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसी सिचुएशन दे दूं जहां पे आपको कहीं नहीं लिखा है कि फाइंड द मोड, लेकिन उस सिचुएशन में मोड निकालेंगे तभी आपका आंसर आएगा। तो देखेंगे हम उस तरह का केस भी कि अगर ऐसा दे रखा हो जहां पे कहीं नहीं लिखा है कि फाइंड द मीन या मीडियन या मोड, तो क्या पूछा जा रहा है वो तभी समझ में आएगा कि भाई इसको कहते एग्जैक्टली किसे है ना। जो आप पढ़ लो दैट इज डेफिनेशन, एग्जैक्ट मतलब क्या है मीन का, मीडियन का, मोड का, वो जानेंगे हम लोग। और अगर ओवरव्यू तो ये हो गया हमारा। अगर बात करें इसी लास्ट ईयर के ट्रेंड की, कितने कितने सवाल आए हैं, और जैसा कि मैं पहले भी बताया था कि नाइन्थ क्लास की स्टैटिस्टिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत की टेंथ क्लास की स्टैटिस्टिक्स। नाइन्थ क्लास की प्रोबेबिलिटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी टेंथ की, टेंथ की प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है और नाइन्थ का स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर दो सवाल है, उससे पहले तीन सवाल, उससे पहले दो सवाल, उससे पहले दो सवाल, उससे पहले एक सवाल, उससे पहले एक सवाल है, उससे पहले तीन सवाल, उससे पहले दो सवाल, उससे पहले दो सवाल, उससे पहले एक सवाल। तो ऑन टोटल अगर हम बात करें तो लास्ट 10 साल में 19 सवाल आए हैं, और एवरेज निकाले तो उस हिसाब से एवरेज निकाल रहे हैं बहुत बढ़िया। तो चैप्टर में हम पढ़ेंगे एवरेज मीन, देखो एवरेज सम कर दिया डिवाइड बाय 10 साल की बात हो रही है तो ये 1.9 आया, मतलब एक से दो सवाल तो फिक्स है ना भाई, मिनिमम एक से दो। तो आप देखते हैं एक कितने बार आया सर, एक हम लोग जा रहे हैं मॉड की तरफ है ना, मॉड निकाल रहे हैं सर, सबसे ज्यादा बार दो बार आए हैं सवाल, देखिए पांच बार ऐसा हुआ है कि दो बार आया सवाल, तो दो के सवाल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी भी दिख गया कि कम से कम दो सवाल आ सकता है। अच्छा तीन कितने बार आया सर, एक दो, दो बार आया, और तीन एक जो है वो सर तीन बार आया, तो चांसेस है एक से लेकर है ना दो सवाल इस चैप्टर से आपके पूछे जा सकते हैं। और अगर फ्रीक्वेंसी देखें नाइन्थ और टेंथ के हिसाब से कि नाइन्थ से कितना और टेंथ से कितना, तो नाइन्थ से 17 सवाल आए हैं और टेंथ से सिर्फ दो सवाल आए। ये मैं वो पाई चार्ट वाला सवाल नाइन्थ में कॉल कर रहा हूँ, बेसिक नॉलेज है ना उसी पे बेस्ड है, एट आएगा तक तब नाइन में आएंगे, ठीक है। तो आप सोच लो कि इस सवाल को अगर हम इस चैप्टर को दो लेक्चर में फिनिश करेंगे, कोशिश करें बहुत जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह, उससे पहले भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम दो सवाल के लिए, एक से दो सवाल के लिए तैयार हो जाएंगे। लास्ट पांच साल का ट्रेंड देखेंगे तो मोस्टली दो सवाल ही आए, तो दो सवाल का आप एक्सपेक्टेशन लेके चले। और यहाँ बहुत सारे मेरे ट्रिक्स आएंगे, रिजल्ट आएंगे, ऐसा आ रहा है आ जाएगा, तो ये सब अपना एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पर अपना दिखाया, ठीक है, कि आपको सब बताऊंगा कि मीन को निकालने के आसान आसान तरीके क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको उतार दीजिए।